एक बार ऐसी घटना घटी कि भगवान ने करवट लिया। क्या किया? अब ये सातवें अध्याय की कथा सुन रहे हो। छठवें दिन में भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया, ठीक है। अब 27 दिन हुए प्रभु के, पहला जन्म नक्षत्र आया। कई संत कहते हैं कि 3 महीना हो गया, कल्पांतर भेद है कथाओं में। जैसे भगवान ने करवट बदली वैसे यशोदा मैया प्रसन्न हो गई, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्थ विवाचन कराया, अभिषेक कराया। अब गीत होने लग गए, सहेलियां असखियां आने लग गई। भगवान को यशोदा मैया ने स्नान करा करके बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। जैसे सुला दिया, अन्य कामों में लग गई। उसी समय महाराज एक शकटासुर नाम का दैत्य जो उत्कच था वो आया, बैलगाड़ी को दबाने लग गया। भगवान ने बाएं पैर से उसको उठाया, बैलगाड़ी गिर गई। सारे जो उसमें गोरस भरे थे ना, दूध दही मटकी थे उसमें, वो सब गिर गए। भगवान रोने लग गए। आवाज को सुनकर के यशोदा माँ आई और आकर के बालक को उठाया। फिर अमंगल हुआ, फिर ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। कितनी छोटी सी कथा है कि बैलगाड़ी के नीचे भगवान को सुला दिया और बैलगाड़ी पलट गई। भगवान संकेत कर रहे हैं कि जिसके जीवन में भगवान नीचे होंगे और रस ऊपर होंगे, उनकी जीवन की गाड़ी पलट जाती है। इसलिए भगवान को ऊपर रखो, तुम नीचे रहो। इसलिए आपने कल देखा होगा ठाकुर जी को सिर पर रखते हैं, ऊपर भगवान नीचे आप। इसलिए देखो भी आप लोग कि भागवत जी की पोथी को कहां रखते हैं लोग? सिर पर रखते हैं। तो भगवान को ऊपर रखो। कई लोग तो सीढ़ी के नीचे भगवान का मंदिर बना देते हैं, इसलिए महाराज जी, और फिर ऊपर से सीढ़ी से चढ़ते रहते हैं। ऐसा अविवेक जिसके जीवन में होगा उसके जीवन की गाड़ी पलट जाएगी महाराज जी। इसलिए भगवान को हमेशा ऊपर रखो, तुम नीचे रहो। यशोदा जी से गलती हो गई कि बैलगाड़ी में जो रस रखा था छकड़े में वो तो ऊपर हो गया, रस ऊपर राशेश्वर नीचे। कई बार हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, महाराज जी आते हैं, महाराज जी के साथ हम रहते हैं, फोटो खिंचाते हैं, और अपने फोटो खिंचाने के चक्कर में महाराज जी को भी धक्का दे देते हैं। वो चाहे गिर गए, कल एक बहन गिर गई यहाँ गणेशानंद जी के पास। तो इसलिए ज्यादा अपने दर्शन में मत रहो, भगवान से हम लोग हैं ऐसा भाव रखो। अब भगवान थोड़ा सा बड़े हुए, एक दिन की घटना सुन लीजिए। एक दारोह मारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोर गोढ़ नसे गिरिकू। एक बार महाराज जी ऐसा हुआ कि भगवान बैठे हैं, यशोदा माँ अपनी गोद में लिए हैं। एक तृणावर्त नाम का बड़ा भयानक दैत्य था। दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्या प्रणोदिता। कंस ने एक राक्षस को फिर भेजा, तीसरा राक्षस है महाराज जी। बवंडर के रूप में आया, भगवान को उड़ा के ले जाना चाहता था, उड़ा के हवा के द्वारा बवंडर में ले जाऊंगा। यशोदा मैया बैठी हैं, भगवान ने सोचा इसको कैसे मारे हम। अब भगवान जब तक गोकुल में रहेंगे 5 नियम ले लिया प्रभु ने, संतों ने कहा। पहला नियम, ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा नियम, सिले कपड़े नहीं पहनेंगे। तीसरा नियम, शस्त्र नहीं लेंगे। चौथा नियम, उपानह नहीं पहनेंगे। और पांचवा नियम, केश नहीं कटवाएंगे, संतों ने कहा। तो महाराज जी क्या हुआ,
कि भगवान ने सोचा मैया की गोद में है, मैया को लेकर के उड़ जाएगा सो मैया तो घबरा जाएंगी, इसलिए भगवान बहुत भारी हो गए। भारी हो गए भगवान, यशोदा मैया का पैर शून्य जैसे हो गया। यशोदा मैया ने क्या किया, भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। यशोदा मैया ने लाला को नीचे लिटा दिया, अपने काम में लग गई, कह दिया अरे मेरा पैर तो सो गया, लाला को रखे रखे बड़ा भारी हो गया मेरा लाला, नीचे लिटा दिया। अब वो राक्षस आया महाराज जी बवंडर के रूप में, भगवान को उठा करके ले गया आकाश में, ले गया महाराज ऊपर ले गया सीधे जैसे रॉकेट जाता है। भगवान ने कहा भैया ऊपर क्यों ले जा रहे हो, ऊपर से तो हम नीचे आए हैं, अवतार हुआ है हमारा। पर भगवान ने कहा चलो सैर करके आते हैं, लेकिन अब ये ऊपर जाकर के फिर मथुरा की ओर मुड़ने लग गया। भगवान ने इसका गला दबाया, भगवान ने कहा भैया अभी हम मामा जी के पास नहीं जाना, क्योंकि मामा जी की अंतिम तिथि अभी नहीं आई है, बाकी है कुछ दिन। तो इसलिए महाराज जी जोर से गला दबाया तो इस राक्षस को लगा कि कहीं मैं बाबा नंद के दरवाजे की शिला तो नहीं उठा लाया। इसलिए महाराज जी तुरंत भगवान ने देखा ये शिला का चिंतन कर रहा है, इसलिए तमंत रिक्षात पतितम शिलायाम, भगवान ने उसको शिला में ही पटक दिया। जैसे पटक दिया उसके प्राण पखेरु हो गए। यशोदा जी दौड़ के आई, राक्षस मरा पड़ा है, लाला खेल रहा है। यशोदा जी बहुत घबरा गई। यहाँ बहुत अच्छी बात नंद जी कह रहे हैं, यशोदा घबराओ ना, जिस बालकों के ऊपर और जिस बालक के निमित्त दान पुण्य धर्म कर्म किया जाता है उस बालक पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता है, इसलिए आप चिंता ना करो। तीसरी बाधा निकली। अब एक दार भकमादाय श्वांक मारोप्य भामिनी प्रश्नोत्तम पायया मास स्तनम स्नेह परिप्लुता। एक बार यशोदा मैया लाला को दूध पान करा रही हैं। आज भगवान बहुत देर तक पीते रह गए, पीते 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 जैसे छुड़ाने का प्रयास करें लाला रोने लग जाए। मैया को चिंता हो गई, कहीं ज्यादा दूध पी लिया और अपच हो गया तो। माँ को चिंता रहती है महाराज, लड़का भूखा भी ना रहे और दिन भर खाता भी ना रहे, लल्ला लल्ला बोलते हैं। देखो बच्चे को लोग लल्ला बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, जायो कौशल्या जी ने लल्ला मुहल्ला में हल्ला सो मच गयो। लल्ला बोलते हैं बच्चों को, बोलते हैं ना, और बड़े बुजुर्गों को भी लाला जी बोलते हैं, छोटों को लल्ला और बड़ों को लाला। लाला जी आ गए, लल्ला लल्ला लल्ला, जायो कौशल्या जी ने लल्ला मुहल्ला में हल्ला सो, मोहल्ला में रसगुल्ला सो बट गयो। किसी ने कहा ये लल्ला लल्ला क्या है, बोले जो हमेशा ये कहता है ला 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 और ला और ला, वही लल्ला है। बच्चे को सब लोग बुलाते ना, आओ आओ लेना चाहते हैं सो लल्ला, और बड़े होके सबसे दक्षिणा सबसे हमारा संपत्ति हमारे पास आए सो। पुत्रों को अपना पुत्र नहीं मानता, वो कहता है माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। जहां ऐसा भेद होता है महाराज जी वहां कल्याण नहीं होता है। अपने लड़के को तो हम गरम गरम रोटी खिलाए और काम करने वाली को कल की बासी रोटी खिलाए तो महाराज जी इससे कल्याण नहीं होगा, ये कपट हुआ। गर्गाचार्य जी ने कहा यदूनाम अहमाचार्य अख्यातश्च भुवि सर्वतः श्रुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देव के श्रुतम। एक मंडली बना लेते हैं, कुछ सखाओं को साथ में रखते हैं और
माखन खाने के लिए जाते हैं। ध्यान से कथा सुनना। गोपी के पास जाते हैं, अगर गोपी नाराज हो जाती है ना महाराज जी, तो वहां से चले आते हैं, फिर उसके घर नहीं जाते।